ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान विकी पॉन्टिंग ने मंगलवार को खुलासा किया है कि किस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते समय किए गए मामूली तकनीकी बदलाव से अक्षर पटेल को भारत का प्रभावी बल्लेबाज बनने में मदद मिली। विकी पॉन्टिंग को उम्मीद है कि अक्षर आगामी आईपीएल में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान विकी पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा कि मैं अक्षर को लंबे समय से जानता हूं और जब मैं पहली बार मुंबई की टीम से जुड़ा था तो वो टीम में शामिल एक युवा खिलाड़ी था। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि उसमें बल्लेबाजी कौशल है, लेकिन पिछले दो सालों को छोड़कर वो आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कौशल नहीं दिखा पा रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के कोच विकी पॉन्टिंग ने कहा कि हमने उसकी बल्लेबाजी में थोड़े बदलाव किए, हमने उसके कंधों की स्थिति में मामूली बदलाव किए जिससे उसे दाएं हाथ के तेज गेंदबाजों और शॉर्ट पिच गेंदों को खेलने में मदद मिली। इससे पहले शॉर्ट पिच गेंदें उसकी कमजोरी हुआ करती थी। अक्षर पटेल ने 2013 में मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने 5 साल तक किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलकर अपने खेल को निखारा। वो पिछले साल 17 से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेल रहे हैं। पॉन्टिंग दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं। अक्षर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में 4 मैचों में 3 अर्धशतक जमाए थे। उन्होंने 55.69 की स्ट्राइक रेट और 88 की औसत से कुल 264 रन बनाए थे और विराट कोहली के बाद भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे भारतीय थे, जबकि सीरीज में ओवरऑल तीसरे नंबर पर रहे। रन बनाने के साथ अक्षर ने 2.16 की इकोनॉमी से 3 विकेट भी झटके थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।